हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जिनके एग्जाम NIOS में अप्रैल 2024 में होने वाले हैं और उन स्टूडेंट के एग्जाम फीस की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि एग्जाम फीस पे करना आपके लिए मस्ट है। अगर आप एग्जाम फीस नहीं पे करते हैं देन ऐसे केस में आपको पता है कि आपका होल टिकट रिलीज नहीं किया जाता और ऐसे में बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो आपको अपनी एग्जाम फीस टाइम से पे कर देनी है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिन्होंने अक्टूबर 2023 में एग्जाम दिए थे और उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, देन उसके बाद में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके किसी कारण से FYCT आ जाए, जैसे एग्जाम छूट गया बच्चे का प्रैक्टिकल का या थ्योरी का, और उसकी वजह से अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको भी मौका दिया जाता है आपके कब एग्जाम देने के लिए, आपको मौका दिया जाता है अप्रैल में एग्जाम देने के लिए। तो आपको अपनी एग्जाम फीस कब पे करनी है, एग्जाम आपके अप्रैल 2024 में होने वाले हैं, उनके बिना लेट फीस के जो एग्जाम फीस की लास्ट डेट है वो है आपकी 20 दिसंबर। एंड प्लीज कोशिश करें कि आप लेट फीस लगने का वेट ना करें। अगर आपको देखिए फीस तो आपको पे करनी ही है, ठीक है, अगर आपको फीस पे करनी है तो आप क्या करें, अभी आप अरेंज करके अपनी एग्जाम फीस पे कर दो और जब आपके पास पैसे हो तब आप क्या कर सकते हैं, उनको जैसे आपने फीस अरेंज करी है आप उनको वापस लौटा देना, ठीक है। लेट फीस पे करके क्या होगा कि आपका ही नुकसान होता है, 1500 रुपये लेट फीस तक भी जाती है, ठीक है, तो क्या फायदा है इतना नुकसान करने का। इसलिए यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि आप अपने टाइम से एग्जाम फीस पे कर दें, ठीक है। अक्टूबर का जो रिजल्ट है ये माना जा रहा है कि आपका रिजल्ट 45 दिन बाद आता है, तो आपका 23 से 25 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, 25 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बिना लेट फीस के तो 20 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, तो हम हमारी एग्जाम फीस यानी कि हमें लेट फीस पे करनी पड़ेगी। नहीं, आपके लिए अलग से एक क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगी और आपको एक अलग से टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में अपनी एग्जाम फीस पे कर सकते हैं, वो भी बिना लेट फीस के, ठीक है। अब जितने स्टूडेंट के एग्जाम अप्रैल 2024 में होने वाले हैं और उन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो आप अपने टाइम से असाइनमेंट सबमिट कर दें। स्क्रीन पर जो नंबर है आप इनकी हेल्प से असाइनमेंट ले सकते हैं, बेस्ट असाइनमेंट होते हैं तो इनसे असाइनमेंट अपलोड कराने में भी हेल्प ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके एग्जाम अप्रैल 24 में होने वाले हैं तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनके रिजल्ट में एब्सेंट है, मतलब जिनके एग्जाम में जो अपना एग्जाम नहीं दे पाई है, उनको लगता है कि एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, कोई एग्जाम छूट गया था, तो ऐसे स्टूडेंट अपने रिजल्ट का वेट ना करें, आप भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।